और अब पंचकुला से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंचकुला से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जानकारी मिल रही है संदीप सिंह पर महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में ये अपडेट सामने आ रही है। पंचकुला में अलग अलग समुदाय प्रदर्शन कर रहे हैं, संदीप सिंह को पद से हटाने और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे हैं। संदीप सिंह पर महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में यह अहम जानकारी मिल रही है कि अब उनको पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर अलग अलग समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जो सरदार संदीप सिंह के साथ जो एक मामला जुड़ा हुआ है, महिला कोच के साथ जो यौन उत्पीड़न का जो मामला है उसको लेकर जो है आज विभिन्न जो हरियाणा की यूनियन है वो प्रदर्शन कर रही है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के जो राज्य अध्यक्ष है और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में हरियाणा की विभिन्न यूनियन है आज पंचकुला से चंडीगढ़ के लिए इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और इस जो प्रदर्शन में जनवादी महिला समिति के साथ साथ सर्व कर्मचारी संघ, सीटू किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य जो करीब 15 यूनियन इसमें शामिल हैं। और इस मामले में जो है सरदार संदीप सिंह को अपने पद से हटाए जाने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है ये यूनियन प्रदर्शन कर रही है। लेकिन चंडीगढ़ और पंचकुला पुलिस द्वारा जो बॉर्डर है, पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर जो हाउसिंग बोर्ड है, वहां पर बैरिगेटिंग करके प्रदर्शनकारियों को वहां पर रोका गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो है धक्का मुक्की भी हुई आगे बढ़ने को लेकर, लेकिन पुलिस द्वारा जो है उन्हें वहीं पर ही रोक लिया गया है। और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि सरदार संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया जाए और इस मामले में जो है जांच के बाद गिरफ्तारी की जाए। और इसको लेकर एक राज्यपाल के नाम जो है ज्ञापन भी यूनियन सभी आज सौंपेंगी। फिलहाल अभी की जो स्थिति की बात करें तो पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिया गया है और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा लिया है। और उनका कहना है कि इस मामले को लेकर वो राज्यपाल को ज्ञापन देंगे ताकि इसको लेकर जो है आगामी कार्रवाई की जा सके। और इसको लेकर जो है विभिन्न यूनियन आज प्रदर्शन कर रही है। जी शुक्रिया तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बॉर्डर पर काफी ज्यादा तनातनी हो गई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की हुई है और अब संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। चले फिलहाल